नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय। दोस्तों, इस साल के प्रीलिम्स में कांवर ताल को लेकर एक स्टेटमेंट में पूछा गया कि क्या गंडक नदी की मियांड्रिंग की वजह से ही इस झील का निर्माण हुआ है। इस स्टेटमेंट को कई लोग सही मान रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कांवर झील गंडक नहीं बल्कि बूढ़ी गंडक की मियांड्रिंग की वजह से बनी है। गंडक नदी इस झील से पश्चिम में काफी दूरी पर प्रवाहित होती है और गंगा में जाकर मिलती है। कांवर ताल या फिर कांवर झील एक गोखुर झील है, यानी एक ऐसी झील जो किसी नदी के घुमावदार मार्ग की वजह से होने वाले डिपोजिशन से बनती है। कांवर झील बिहार के इकोसिस्टम में काफी बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि ये केवल एक झील न होकर एक रामसर साइट है और एक बर्ड सेंचुरी भी है। 2620 हेक्टेयर में फैली ये झील बिहार के बेगूसराय जिले में है, जिसे 2020 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। इस बर्ड सेंचुरी में रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, सोशियबल लैपविंग और बेयर पोचार्ड जैसे पक्षी भी देखे जा सकते हैं।